राजा छूट त पसेना गरमी होला, हे राजा जाई बजारे ले ले आई एगो कोको कोला, हे राजा जाई बजारे ले ले आई एगो कोको कोला। हाय दोस्तों, मैं गुरु आतिफ में स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार प्रकाश बारू जी, जिनका अभी रिसेंटली गाना बज रहा है और काफ़ी टाइम से एक नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है, जिस गाने का बोल है कोका कोला। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। सबसे पहले मेरे तरफ से भोजपुरी फैंस क्लब को जितने सारे जानता है उनको नमस्ते प्रणाम, आप सब आशीर्वाद बनाए रखें। सर, ये कोका कोला से तो आपने अभी काफ़ी ज़्यादा एकदम धमाल लिया, हम तो कहते हैं कि बवाल मचा रहे हैं। अब आशीर्वाद पब्लिक की है। अच्छा, ये काफ़ी टाइम से एक नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं इस सॉन्ग को जानता हूँ, ये अभी तक तो कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जो इतने टाइम तक अभी एक नंबर पर लगातार ट्रेंडिंग करता रहे। सब पब्लिक का आशीर्वाद है। अच्छा, जिस टाइम में ये सॉन्ग लिख रहे थे, तो क्या आपको उम्मीद था कि ये गाना इतना ज़्यादा बजेगा? उम्मीद तो हम लोग हर गाने से करते हैं, तो उम्मीद तो रहेगा ही। अच्छा, इसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कौन कौन सा आने वाला है और किन किन स्टार के साथ, कुछ बताना चाहेंगे? आने वाला है, सबके साथ आने वाले हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अच्छा, कैसे इसमें स्टार्टिंग कैसे हुआ था आपका? जैसे भोजपुरी में काफ़ी बहुत सारे जो राइटर हैं उनको बहुत सारी कठिन भी होती है, बहुत सारे परेशानी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सारे मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी और मार्केट में इतना सारा आपने अनेकों गाना हिट दिया है। हाँ, तो सबका स्ट्रगल रहता है, मेरा भी स्ट्रगल रहा बॉम्बे में। अच्छा, अभी हमने जहाँ तक रिसर्च किया है, अभी जो आप पवन जी का जो मूवी आ रहा है मेरा भारत महान, उसमें भी आपके काफ़ी सारे सॉन्ग। हाँ, उसमें भी सॉन्ग है मेरे। कितने सॉन्ग है उसके अंदर, कुछ बताएं? दो गाने हैं। दो गाने हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली में कोई पवन जी के साथ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं? क्योंकि ये हमारा ये नहीं है, ये दर्शकों का डिमांड है कि प्रकाश बारू जी जो पवन सिंह जी को गाना देते हैं वो कुछ अलग ही लेवल का होता है, तो उनके साथ कब तक देखने को मिलने वाला है? उनका ये क्वेश्चन रहता है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं इसके बारे में। मिलेगा, और बहुत सारा गाने हैं जो रिलीजिंग के लिए हैं, किए हैं बहुत सारा गाना। अच्छा, ये कोका कोला अभी रिसेंटली बज रहा है, तो क्या दो लाइन हो जाए आपके मुंह से? हे राजा छूट त पसेना गरमी होला, हे राजा जाई बजारे ले ले आई एगो कोको कोला, हे राजा जाई बजारे ले ले आई एगो कोको कोला। अच्छा सर, ये जो गाना है, जब आप लिख रहे थे तो आपको क्या ऐसा लग रहा था कि ये गाना खेसारी लाल जी ही गाएंगे तो काफी टाइम तक ट्रेंड करेगा, या कोई अदर सिंगर के लिए भी लिखे, ऐसा कुछ मन में डाउट हुआ था कि किसी और से गवा जाए या खेसारी जिसके लिए पर्सनली गाना लिखा गया? नहीं नहीं, मतलब गाना हम बनाते हैं तो हम सोच के ही बनाते हैं, जिनके लिए बनाना होता है उसी उन्हीं के लिए बनाते हैं, उनके मिजाज का ही बनाते हैं। अच्छा, मतलब जिस टाइम लिख रहे थे आप उसी टाइम आपने फाइनल कर दिया था ये खेसारी जी के लिए ही है? उन्हीं के लिए बनाया गया था। अच्छा, मतलब उनके उनको सोच करके ही कि नहीं भाई खेसारी जी ही ये गाने को गाएंगे 100%? हाँ। अच्छा, तो ये गाना अभी मार्केट में इतना ज़्यादा, इसका ऑडियो वीडियो दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और लगभग रील्स पे भी काफ़ी बहुत सारे रील्स भी बन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद बनाए रखे। अच्छा, ये भाई साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर है, आपने जब इस गाने का जब म्यूजिक कर रहे थे, तो क्या आपको लगा था कि गाना मार्केट में इतना ज़्यादा बवाल करेगा? अब उम्मीद तो रहता है हर गाने पे काम करने। अच्छा, इसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कौन सा बवाल लेकर के आ रहे हैं? बहुत सारा है, अभी तो आएगा बहुत जल्द। सर, ये जब आप इसका म्यूजिक कर रहे थे तो बहुत सारा ऐसा मन में ये सवाल हुआ था कि यार ये वाला ये कोई टोन कुछ मजा नहीं आ रहा है, चलो ये थोड़ा टोन चेंज करते हैं कि ये डालेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा खिलेगा? बस गाना के मूड जो बताता है उसके हिसाब से करते हैं, अच्छा लगना चाहिए बस सुनने में। और अच्छा, इसके बाद अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो किन किन स्टारों के साथ लेकर के आ रहे हैं? आएगा सबके साथ, अभी तो थोड़ा। अच्छा, ये प्रकाश बारू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो नए सिंगर है, जैसे कि मल्हार स्टूडियो जो है, यहाँ सिर्फ स्टारों को ही गवाया जाता है या नए सिंगर को भी काम किया जाता है? जो अच्छा गाएंगे, अच्छा गाते हैं उनको गवाया जाता भी है।
जो हमारे नए सिंगर हैं जो आपके पास आपसे गाना लिखवाना चाहते हैं, जो आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, उनको कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा वोकल जो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है? उनको हर तरह की मदद किया जाएगा, अच्छा गायकी को यहाँ तक, यहाँ से जो भी बनना चाहिए किया जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं कि मल्हार स्टूडियो में नए नए से नए कलाकार और पुराने से पुराने कलाकार सभी का काम एक लेवल का ही किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत में कोई कमी नहीं होता है। पर ये कोका कोला जो सॉन्ग अभी मार्केट में इतना ट्रेंडिंग कर रहा है एक नंबर पे, तो वो सॉन्ग यहीं से कम्प्लीट हुआ है ना? हाँ जी। अच्छा, अच्छा बिल्कुल। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते सारे पब्लिक को जिस तरह से प्यार आप लोग बनाए हुए हैं उसी तरह से प्यार बनाए रखें, बस उम्मीद यही है, और हम आपके इन मनोरंजन में कोई कमी होने नहीं देंगे हम लोग। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार प्रकाश बारू जी, जिनका अभी अब रिसेंटली गाना बज ही रहा है, कोका कोला एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और काफ़ी गर्मी का मौसम है, तो आप लोग कोका कोला पीजिए और कोका कोला खूब सुनिए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।